हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और आप लोग बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो यार फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। अब समझ लो यार, आपको किसी घर पे रश करना है या फिर इस विंडो से कोई एनिमी बार बार नेट फेंक रहा है, ठीक है ना, तो आपके पास स्नो ब्लास्टर गन है तो फिर आप लोग इसकी विंडो को ब्लॉक कर सकते हो। बस इसकी विंडो पे फायर कर देना है, ऐसे में भाई विंडो ब्लॉक हो जाएगी। और फिर अगर आपको रश करना है तो रश कर दो, और कहीं कवर मिलता है तो कवर लेके एक और विंडो ब्लॉक करने की कोशिश करो। और जब भी आप विंडो पे फायर देते हो ना तो थोड़ा सा राइट पे या फिर लेफ्ट मारो करो विंडो के, ताकि विंडो परफेक्ट ब्लॉक हो। और फिर उसके बाद आपको रश कर देना है। और भाई इस पे बर्फ पे फायर एनिमी करेगा तो बर्फ फट ही जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर एनिमी बर्फ फोड़ने में थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर देगा और फिर आप लोग उसके ऊपर रश कर सकते हो। तो यार इसमें यही बताना था कि आपके पास अगर स्नो ब्लास्टर वाली गन है तो आप उससे विंडोज वगैरह ब्लॉक कर सकते हो। तो खैर अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप लोग भी रेनडियर को ब्रिज के ऊपर क्लाइंब कराना चाहते हो तो ध्यान से देखना भाई, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। आपको क्या करना है, आगे वाले बटन को दबा के रखना है और जंप करवाना है, और आगे वाला बटन छोड़ देना है, ठीक है। फिर से आगे वाला बटन दबा के रखना है और जंप करवाना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। फिर से आगे वाले बटन को दबा के रखना है और फिर जंप करवा के छोड़ देना है, ठीक है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब ये रेनडियर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना तो इसको रेलिंग के एकदम सीधा कर लेना, एकदम बिल्कुल सीधा करना, फिर आगे वाला बटन दबा के जंप दबाना, ठीक है ना। अभी देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको परफेक्ट सीधा करेंगे और आगे वाला बटन दबा के जंप दबा देंगे। और ये देखो भाई फाइनल हम लोग रेनडियर को लेके आ चुके हैं ब्रिज पे। अब आप रेनडियर को ब्रिज पे दौड़ाना चाहते हो तो दौड़ा सकते हो, और अगर आपको ब्रिज पे उतरना है ना तो फिर आपको रेनडियर को थोड़ा सा राइट साइड लगाना है, नहीं तो फिर आप नीचे गिर जाओगे। बस आपको थोड़ा सा ऐसे राइट साइड लगाना है और फिर एग्जिट मारना है, तो फिर आप लोग इस ब्रिज से नीचे नहीं गिरोगे, समझ रहे हो ना। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिज पे आके आप क्या क्या कर सकते हो। तो खैर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास है स्नो ब्लास्टर वाली गन है और फिर कोई एनिमी आप पे नेड करता है और फिर आप लोग ये स्नो ब्लास्टर उस नेड के ऊपर चला देते हो ना, तो फिर जब नेड फटेगा ना तो फिर आपको और एनिमी को थोड़ा भी नेड का डैमेज नहीं होगा। एक बार फिर से देख लो, जैसे कि अभी देखो इसने एक नेड फेंका, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस नेड के ऊपर एक स्नो ब्लास्टर चला देता हूँ, ठीक है, और ये नेड फटा और ये देख लो भाई किसी को भी डैमेज नहीं हुआ है। तो यार आप पे जब भी कोई नेड फेंके ना तो बस आप लोग को स्नो ब्लास्टर उसके ऊपर चला देना है और आपको नेड का थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा। तो यार आप लोग ये चीज भी समझ गए होगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब समझ लो आप लोग किसी स्क्वाड हाउस में जाते हो और उनकी सीढ़ियों पे कोई एनिमी वगैरह कैम्प करता रहता है, तो आपके पास अगर स्नो ब्लास्टर गन है तो फिर आपको इसके गैलरी के साइड आ जाना है और यहाँ पे 5 बार ये स्नो का ढेर मारना है, ठीक है, ये 3 और ये 4 और ये 5, और 5 बार मारने के बाद आपको इस स्नो पे चढ़ना है और अंदर आना है गैलरी के और अपनी गन पकड़ लेना है, और जो भी सीढ़ी पे कैंप कर रहा है उसे आप आसानी से मार सकते हो, ठीक है। अब आप लोग स्नो ब्लास्टर गन से एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि आपको इस विंडो पे डायरेक्ट क्लाइंब करना है तो आपको इस विंडो के नीचे 5 बार स्नो ब्लास्टर मारना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब आपको अपने हाथ में गन पकड़ लेना है और स्नो पे चढ़ना है, विंडो के अंदर झांकना है, अगर कोई एनिमी है तो यार उसको फिनिश दे देना, और यहीं से आप लोग डायरेक्ट अंदर जा सकते हो घर के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यार ये स्नो ब्लास्टर गन कितनी कमाल की है। तो चलो यार बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। न्यू अपडेट आया और नया ग्लिच ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो यार आपको एक स्नो ब्लास्टर गन लेना है और यहाँ पे 4 बार फायर करना है, 2, 3, 4। अब आपको अपना स्केटबोर्ड निकालना है और इस स्नो के ऊपर स्केटबोर्ड को लेके जाना है और पूरा टॉप पे आने के बाद एग्जिट मारना है। ऐसा करोगे तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाओगे और यहाँ पे कोई है तो यार उसको निपटा देना। ये वाला ग्लिच ना भाई एक बार में वर्क करता है, ये चीज स्क्वाड हाउस में वर्क कर रही है, और भी घरों में वर्क करेगी कि नहीं करेगी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप लोग ट्राई करके देखना। मैंने तो नहीं किया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी था वीडियो डालने का, तो आप लोग ट्राई करके देखना ये ग्लिच, अगर सभी घरों में काम करता होगा तो फिर ये ग्लिच काफी कमाल का है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक अभी के अभी कर दो। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास रेनडियर है तो आप लोग बिना सीढ़ियों के किसी भी घर के छत पे जा सकते हो, बस आपको इस बॉर्डर पे रेनडियर को जंप करवा देना है और आगे की तरफ भगा के जंप जंप स्पैम करना है, और फिर अचानक से आपका रेनडियर हवा में उछलेगा और फिर आप लोग छत के ऊपर क्लाइंब कर जाओगे। और अगर यहाँ पे कोई एनिमी एनिमी है तो यार उसको निपटा देना। तो यार है ना ये रेनडियर भी कमाल का। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
जब भी आप लोग स्नोई विलेज आओगे और आप लोग इस घंटे वाले फ्लोर पे हो, ठीक है, और फिर आप देखोगे तो यार इसकी दीवारें इतनी ऊंची है कि फिर आप लोग सामने वाले एनिमी को अगर देखोगे तो यार आपका एम ब्लॉक होगा। अगर आप लोग जंप करके मारने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी जो गोलियां है वो दीवार पे लग जाएगी। तो यार इस प्रॉब्लम का भी जुगाड़ है क्योंकि बीजीएमआई वाले ने कुछ ऐसे टावर दिए हैं यहाँ पर, और भाई इस फ्लोर पे ना ऐसे दो टावर है, तो आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, दीवार के पास आके खड़े होके जंप मारना है और जॉयस्टिक मूव मत करना, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे एक जंप लगा के और फिर एक और जंप लगा के इस टावर के अंदर। एंड अब यहाँ पे आपको हाइट मिल जाता है, कवर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपका एम भी ब्लॉक नहीं होता है। तो यार जब भी आप इस कैसल पे आओ ना तो फिर फटाफट से लूट करके इस टावर को पकड़ लेना और फिर आप लोग यहाँ रह के अच्छे खासे किल निकाल सकते हो। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप जब भी यार स्नोई विलेज के इस बर्फ वाली बिल्डिंग में आते हो ना तो आपको इस दीवार के पास कुछ ऐसे स्नो के ढेर बना लेने हैं। तो यार दो तीन बना लेना, तो यार इसका फायदा बताता हूँ आपको। अब कुछ नहीं करना है, अपनी गन पकड़ लेना है और इस ढेर के ऊपर ऐसे आके बैठे रहना है, ठीक है ना, और फिर जैसे ही कोई एनिमी आपको दिखता है तो बस खड़े होकर उसको फायर दे देना, तो यार वो नॉक वॉक हो जाएगा। एंड पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो ये दीवारें वगैरह है ना, इसमें भाई आपका एम ब्लॉक हो जाता है और आपको व्यू भी नहीं मिलता है, इसलिए अपने को ऐसे बर्फ के ढेर बना लेने और फिर इन पे बैठे रहना है, और जैसे कोई आता है तो यार उसको नॉक फिनिश दे देना है, समझे ना। और हमेशा एक बात का ध्यान देना कि जो ऊपर वाले फ्लोर पे दो टावर है ना, उस टावर के अंदर कोई ना हो, और जब कोई ना हो तो फिर ये वाली ट्रिक लगा लेना। और चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास स्नो ब्लास्टर वाली गन है एंड आप लोग उससे फायर करते हो पानी में, तो भाई वहां का पानी ना जम जाता है एंड आप उस पे खड़े रह सकते हो, और यही सेम चीज आप लोग बार बार करके बर्फ की परत बना सकते हो पानी के ऊपर, और आप लोग आसानी से पानी के रास्ते को क्रॉस कर सकते हो बिना तैरे, समझ रहे हो। और ये जो बर्फ की परत है ना, इसके ऊपर से आप गाड़ी भी लेके जा सकते हो, और ये बर्फ की परत टूटती नहीं है, गाड़ी आने के बाद भी टूटती नहीं है। लेकिन अगर आप लोग स्क्वाड खेल रहे हो और आपके बंदों के पास स्नो ब्लास्टर गन है तो दो तीन बंदों को बोल देना कि तू ऐसे ही पानी में रास्ता बनाते रहे और एक बंदा गाड़ी चलाएगा, तो फिर आप लोग ऐसे ही पानी में रास्ता बना के गाड़ी को क्रॉस करा सकते हो, समझ रहे हो। खैर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और देख लो भाई मैं कितनी दूर तक आ गया हूँ रास्ता बना बना के। तो आप लोग भी ऐसे ही कहीं पे भी पानी को क्रॉस कर सकते हो ये वाली ट्रिक लगा के। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्नोई विलेज पे आपको ऐसे बहुत से स्नोमैन दिखेंगे। अगर आप किसी एनिमी को चकमा देना चाहते हो तो फिर आपको स्नो ब्लास्टर गन अपने ऊपर मार लेना है, ठीक है ना, तो फिर आप लोग भी ऐसा स्नोमैन बन जाओगे। एक देखो वहां पे, एक आप और एक वहां पे, तो यार किसी को शक भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपको अपना आई बटन घुमा के देखना है कि कोई एनिमी आ रहा है क्या, आपको अपना स्क्रीन नहीं हिलाना है ना, तो फिर एनिमी को आपका फुटस्टेप आ जाएगा, वो आपको मार देगा। तो आपको आई बटन घुमा के ही देखना है, एंड वो जैसे ही आगे निकले तो तुरंत से आपको एग्जिट होना है और यार उसको फायर देके मार देना है, फिर ऐसे आप लोग एनिमी वगैरह को चकमा दे सकते हो। और भाई हमेशा एक बात का ध्यान देना, जब भी आप स्नोमैन बनोगे ना तो यार एनिमी को साउंड जाता है, ठीक है ना, और भाई जॉयस्टिक नहीं हिलाना है, स्क्रीन नहीं हिलाना है ना, तो यार उसको फुटस्टेप भी जाएगा, बस आपको आई बटन का यूज करना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे, और आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।